नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कोरोना वायरस के सभी वेरिएंट्स के बारे में, जिस तरह से कोरोना क्यों सभी लोग कोरोना वायरस को अल्फा वायरस, बीटा वायरस, गामा वायरस सभी वेरिएंट्स के बारे में इन नामों से पुकारते हैं। क्या है डेल्टा वायरस, क्या है अल्फा बीटा गामा, क्या है डेल्टा प्लस, किस कंट्री में किस कौन सा वायरस पाया जाता है, मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा, पूरी लिस्ट के तौर पर आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ हाथ जोड़कर अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अगर अभी तक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए दोस्तों प्लीज़ चैनल वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड अगर आपने अभी तक बेल आइकन को हिट नहीं किया तो प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर दो दोस्तों। और इसी के साथ स्टार्ट करता हूँ मैं आज की वीडियो दोस्तों आपके साथ। तो दोस्तों सबसे पहली बात, हम लोग या कोई भी लोग, हमारे आसपास जो भी लोग हैं या फिर कोरोना वायरस को कोविड-19 बोला जाता है वैसे तो, लेकिन उसके बावजूद भी अल्फा वायरस, बीटा वायरस, ये सारी चीज़ें हमको बोलनी क्यों पड़ रही है दोस्तों। एक्चुअली में बात क्या होती है कि वुहान लैब से वायरस निकला, चाइना के वुहान लैब से, सबको पता है। लेकिन जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जिस तरह से हमारी जनरेशन आगे बढ़ रही है, तो जनरेशन में मान लो हमारे दादा थे, दादा के कुछ बेटे हुए, हमारे पापा वगैरह, उनके भाई बहन होते हैं सब, हमारे जो धीरे धीरे रिलेटिव्स होते हैं, इसी उनके अंदर कुछ चेंजेस आते जाते हैं, जीन्स चेंज होते रहते हैं, उनके जेनेटिक कोड चेंज वगैरह चेंज होते रहते हैं दोस्तों। इसी तरह से वायरस के केस में भी होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे वायरस सबसे पहले वन लैब से निकला कोविड-19, उसका जेनेटिक कोड कुछ अलग था, G4 करके कुछ था, ठीक है ना दोस्तों। इसी तरह से वो दूसरे कंट्री में गया, दूसरे शरीर में गया, तो उसने अपनी प्रवृत्ति थोड़ी सी चेंज की, उसके जेनेटिक कोड थोड़ा चेंज हुआ, थोड़ा या तो वो थोड़ा उसके अंदर थोड़ा कमज़ोर भी हुआ, कुछ वायरस थोड़ा जिसकी इम्यूनिटी अच्छी थी उसके अंदर जाके वायरस कमज़ोर हुआ, उसकी इम्यूनिटी बेकार खराब थी, अच्छी नहीं थी, तो उसके अंदर जाकर वायरस थोड़ा ताकतवर हो गया और उसने ताकतवर वायरस फैलाना स्टार्ट कर दिया। और कई सारी कंट्रीज़ में लो क्वालिटी का वायरस पाया गया, कई सारी कंट्री में हैवी वायरस पाया गया। इसमें से हैवी वायरस पाए जाने वाली कंट्री में हमारी जो है, हमारा इंडिया भी है, हमारा प्यारा भारत देश भी दोस्तों। तो दोस्तों बात करते हैं कि मेन मुद्दा क्या है कि जेनेटिक कोडिंग आके पता कैसे चलती है दोस्तों। जेनेटिक कोड होता है इसका, वायरस को पहचान करने के लिए एक साइंटिफिक नाम दिया जाता है, जिसको साइंटिस्ट लोग जिस नाम से उस वायरस को पुकारते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, साइड में आप देख पा रहे होंगे इधर दोस्तों, जैसे कि आप इसके अंदर देख पा रहे हैं कि साउथ अफ्रीका में जो वायरस पाया गया, ब्रिटेन में वायरस पाया गया, इंडिया में पाया गया, एंड आपका ब्राज़ील में पाया गया। जिस तरह यूके में जो वायरस पाया गया उसको अल्फा नाम दिया गया, क्यों? लेकिन वास्तविकता में उसका नाम था B117, साउथ अफ्रीका वाले का वायरस का नाम था B1351, अब ब्राज़ील वाले का जैसे P1, एंड इंडिया वाले का B1672 एंड B1671, दो वायरस पाए गए थे, लेकिन उनको अल्फा बीटा गामा क्यों देना पड़ा? तो ये जेनेटिक कोड जो आम पब्लिक है उनको बोलने में दिक्कत हो रही थी, वो इस तरह से कोड याद नहीं कर सकते, ऑब्वियसली बात है, कोई हर पर्सन ऐसे कोडिंग को याद नहीं कर सकता और उसको मतलब भी नहीं याद करने का। तो बोलते क्या थे कि ब्रिटेन वाला वायरस ज़्यादा खतरनाक है, कि इंडिया वाला वायरस ज़्यादा खतरनाक है, साउथ अफ्रीका वाला वायरस ज़्यादा खतरनाक है, ये वाला वायरस है, कि ये वायरस वहाँ से आया वायरस। लेकिन मेन मुद्दा क्या था, वायरस तो ये कहीं से आया ही नहीं, वायरस तो चाइना से आया है, तो चाइना तो यहाँ बदनाम ही नहीं हो रहा था, सारे कंट्रीज बदनाम हो रहे थे। तो इन लोगों ने क्या किया, मिलकर WHO के पास गए, वहाँ की जो अथॉरिटी है उसके पास गए, वहाँ के जो अध्यक्ष हैं WHO के, उनसे बात की उन्होंने, लेकिन और तभी उनको एक आइडिया आया, उन्होंने इन सबका जो है इन सबका नाम दे दिया, क्योंकि कंट्रियों की इसमें बेइज्जती ना हो, बदनामी ना हो, जिससे कि ब्रिटेन वाले को अल्फा, साउथ अफ्रीका वाले को बीटा, और ब्राज़ील वाले को गामा, एंड इंडिया वाले को कप्पा एंड डेल्टा, दो वेरिएंट पाए गए हमारे इंडिया में, डेल्टा एंड कप्पा। जो हमारा डेल्टा वायरस है जो इंडिया के अंदर पाया गया है दोस्तों, हाल ही में जो सबसे खतरनाक वायरस के रूप में पाया गया, अप्रैल माह में जो सबसे तबाही मचाई है, जिसमें हमारी कंट्री ने कई सारे अपने हीरे कोहिनूर खो दिए, कई सारे लोगों ने अपने एक निजी, किसी ने अपना निजी खोया, किसी ने कुछ, कोई ना किसी ने किसी को खो दिया, इस वायरस ने तबाही मचा दी, ये एक डेल्टा वायरस था दोस्तों। तो दोस्तों यदि वायरस की सारी क्लासिफिकेशन किस वायरस को किस नाम से पाया गया दोस्तों, इसी बीच अभी हमारे साइंटिस्ट का कहना है कि इंडिया के अंदर डेल्टा प्लस वायरस का भी कुछ केसेस मिल चुके हैं। डेल्टा प्लस वायरस के अगर हम बात करें तो डेल्टा प्लस वायरस इतना ज़्यादा खतरनाक है, उस पर वैक्सीन की किसी भी डोज का जरा भी काफ़ी हद तक असर नहीं होता है, उस पर वैक्सीन भी कारगर नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों इस वायरस से बचने का क्या तरीका है, तो सबसे पहले आप वैक्सीन खुद लगवाएं, और अपने अड़ोसी पड़ोसी आस पड़ोस जितने भी लोगों से मिलते हैं उनको भी लगवाने के लिए प्रेरित करें। जितनी भी नेगेटिविटी फैल रही है वैक्सीन को लेकर, वो सारी दूर करें, उसको दूर करने के लिए मेरी जो पुरानी प्रीवियस वीडियो वैक्सीन से रिलेटेड, आप उनको भी शेयर कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो दोस्तों इन सारी चीज़ों क्यों हमको शेयर क्यों करनी, हमने तो लगवा लिया, हम सोचा हमने तो लगवा लिया, हम तो फ्री हो गए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नहीं दोस्तों,
वैक्सीन अगर आपने लगवा ली मान लो, और आप जिससे मिलने जा रहे उसने लगा, अगर वो डेल्टा प्लस वायरस से ग्रसित है तो आप भी ग्रसित हो जाएंगे, क्योंकि आप उस पर वैक्सीन का ज़्यादा असर नहीं होता है। एंड मास्क प्रॉपरली लगाएं, एंड घर से बाहर जरूरत हो तभी निकलें। अगर कोरोना के सभी चरणों से बचना है तो अपने दोनों चरण घर के अंदर रखें, जान है तो जहाँ है। बचने की सीधी सीधी उपाय, सभी गवर्नमेंट की सभी गाइडलाइंस का पालन करें दोस्तों, कोविड से रिलेटेड जो जितने भी हैं। एंड वैक्सीन क्यों लगवाना जरूरी है दोस्तों, वैक्सीन लगवाने जब अगर इस वायरस पर डेल्टा प्लस पर हमारी वैक्सीन असर कारगर नहीं है कोई भी, तो वैक्सीन क्यों लगवाएं? तो इसीलिए दोस्तों कि मान लो अगर कोई पर्सन अल्फा वायरस से, अल्फा वेरिएंट से ग्रसित है, जो कि बहुत नॉर्मल होता है, सबसे कमज़ोर वायरस माना जाता है उसको, एंड उसको हॉस्पिटल जाने की बाई चांस जरूरत पड़ जाती है, वो ठीक हो सकता है कोई दिक्कत, लेकिन वो हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल में मान लो कोई डेल्टा प्लस वायरस का उसको मिल गया, ग्रसित प्राणी मिल गया, तो वो मनुष्य उसको जो है डेल्टा प्लस दे देगा अल्फा वाले को, तो उसका तो मरना तय हो जाएगा। तो अगर वैक्सीन लगवा लेते हैं तो हमको, अगर हम डेल्टा वाले भी हैं ना, ओनली डेल्टा वाले, तो अगर हमने वैक्सीन की दोनों डोज लगवाई हैं और हम सारे प्रिकॉशन का पालन कर रहे हैं, तो हम घर के अंदर भी ठीक हो सकते हैं, हमको जो है हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले से हमको हॉस्पिटल जाने से बचना है, तो हॉस्पिटल जाने से बचने के लिए सारे प्रिकॉशंस का फॉलो करना है अपने, हमको घर में रहना है, मास्क लगाना है, हैंड सैनिटाइज करने हैं, हाथ धोने हैं पल पल पर, एंड लोगों से 2 गज की दूरी, मास्क ये जरूरी, 2 गज की दूरी एंड मास्क जरूरी, इस नियम का पालन करना है, और वैक्सीन की दोनों डोज लगवानी दोस्तों। तो ये थे दोस्तों डेल्टा और डेल्टा प्लस। डेल्टा प्लस दोस्तों बहुत खतरनाक है, इससे अभी तो कुछ ही केसेस हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा नहीं फैल रहा है, कुछ ही केसेस हैं, कुछ सिंगल डिजिट डबल डिजिट में ही केसेस हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब कोरोना वायरस शुरुआत में आया था तो इंडिया के अंदर सब बहुत कम केसेस पाए गए थे, लेकिन धीरे धीरे देखते देखते लाखों में करोड़ों में संख्या पहुँच गई इसकी। दोस्तों प्लीज़ ऐसी नौबत ना आए, तो प्लीज़ दोस्तों लोगों को जागरूक करें, अपनी दोनों दरवाजे खोलें, दिमाग के अपने आंखें खोलें, अपनी दोनों आँख कान सब खुले रखें दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों इस महामारी से बचने के लिए हमको एक साथ एकजुट होना पड़ेगा दोस्तों, महामारी को हराना है तो एक साथ हमको हम सबको आना है दोस्तों। प्लीज़ दोनों वैक्सीन लगवाएं, सब गवर्नमेंट का साथ दें, अपने आस पड़ोसी का सबका साथ दें, एंड ज़्यादा लोगों को जागरूक करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। इसी के साथ नमस्ते नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने फिर भी अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें लोगों को जागरूक करने के लिए, जितने भी लोग आप जानते हैं जो कि ऐसी नेगेटिविटी फैला रहे हैं, या जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है, या वो वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं, तो उनको बता दो भैया सीधी सी बात है, वैक्सीन लगवा लो जिंदा रहना है, तो नहीं तो डेल्टा प्लस आ रहा है, थक के चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, समझ रहे हो? तो पहले वैक्सीन खुद लगवाओ और चुपचाप लोगों को भी लगवा दो, सीधी तरह बताया जा रहा है, नहीं तो सरकार जोर जोरदस्ती लगवाएगी, बहुत मार पड़ेगी, बहुत बेभाव, समझ रहे हो? देसी भाषा में भी समझा दिया मैंने, अगर अब भी नहीं समझ में आए तो भाई तुम्हारा भगवान मान लेंगे। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को हिट कर दो, वीडियो को शेयर कर दो और लाइक कर दो फटाफट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जय हिंद।